एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसे बैलेंस कैसे करें, ठीक है। किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। जैसा कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है, ठीक है। आप सभी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि इस टॉपिक पे मैम वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना नहीं जानते, अगर आप कई वीडियो भी देखेंगे फिर भी आपको आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हो रही है, आपको ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आ रहा है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें इस टॉपिक को जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, पहले आप ये जानोगे फिर उसके बाद आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन किसे, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जो नया प्रोडक्ट होता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, अपने मूल अवस्था से, यानी जिन पदार्थों से वो मिलकर बना होता है उन पदार्थों से उसकी जो भौतिक और रासायनिक गुण है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तो आप समझ गए। जैसे यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एग्जांपल में एन ए किसका प्रतीक है, एन ए को आप जानते हो कौन है, आपके अंकल, नहीं, एन ए क्या है, एन ए सोडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम सोडियम को ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे हमने ले लिया किसको, ओ टू को। यहाँ पे हमने सोडियम को ले लिया और यहाँ पे आपके आंटी ओ टू को ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे। देखिए, रिएक्शन को करने के लिए क्या क्या करना होता है, पहले यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, दो प्रोडक्ट हमने बताया कि एक या दो प्रोडक्ट आपको क्या होना है, लेना है। तो यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट ले लिया Na सोडियम और यहाँ पे O2। फिर उसके बाद देखिए, दोनों प्रोडक्ट अगर आप दो पदार्थ लिए हैं तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, योग का चिन्ह होना चाहिए, मीन्स के जोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्लस का चिन्ह हमने लगाया। फिर उसके बाद देखिए, इन दोनों जो प्रोडक्ट लिए हैं इसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे एरो लगाना है, तीर की निशान। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने दो प्रोडक्ट को लिया, ये क्या है, ये रिजेंट है, ये क्या है, रिजेंट है। रिजेंट मीन्स क्या होते हैं, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो ये दोनों मिल करके प्रोडक्ट, एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, हमने पहले ही बताया। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा Na है और O2 है, ये क्या मिल करके बनाएंगे, तो ये बना देंगे Na2O। ये क्या बना देंगे, Na2O, सोडियम ऑक्साइड का सफेद चूड़, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का सफेद चूड़ बना देगा। तो यहाँ पे देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया मेरा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये उत्पाद प्राप्त हो गया, उत्पाद मीन्स की प्रोडक्ट। देखिए, हमने रिएक्शन तो कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे अभी भी आपका रिएक्शन क्या है, अपूर्ण है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ओके। अब इसे कम्प्लीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने बैलेंस अभी तक नहीं किया। जब तक आप
रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, वो रिएक्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो सोडियम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Na2O ये क्या बन रहा है, सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए रिएक्शन को करने के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इसको भी आपको लर्न करना होगा, इस दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और उसका नेम क्या है। तो यहाँ पे बन रहा है Na2O, सोडियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूड़ बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो Na2O है, यहाँ पे सोडियम की जो संख्या है, बैलेंस इसे हम करेंगे संतुलित, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या कितने हैं, दो है, ठीक है, सोडियम अपना दो परिवार को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, ये तो बेचारा सिंगल है सोडियम, तो इसको भी तो हमें टू करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसके आगे क्या कर दिए, दो कर दिए, तो ये भी सोडियम कह रहा है कि मैं भी सिंगल नहीं हूँ, डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डबल हो गया। फिर उसके बाद देखिए, जब यहाँ पे हमने इसको डबल कर दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कितने, दो परिवार को लिए हुए अपने। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना संख्या है, वन ही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ऑक्सीजन को दो करने के लिए कुछ तो करना होगा, क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए दो हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने दो लगा दिया, तो जो ऑक्सीजन है वो अपने आप क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, इनकी संख्या ऑक्सीजन का क्या हो गया, पूर्ण हो गया, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए सोडियम, अब कह रहे हैं कि सोडियम ने बाजी मार लिया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम अपने कितने परिवार को ऐड कर लिया, फोर परिवार को। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो है, दो का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दो का इसमें करोगे तो फोर हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे करना होगा चार, ठीक है। जब यहाँ पे चार हो गया, तो आप देख सकते हो कि अपने आप क्या हो गए, ये बैलेंस हो गए, रिएक्शन हो गए ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस हो गए, और ये है अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और यहाँ पे बनकर तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम जानेंगे समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। समीकरण आपने पहले ही समझ लिया, जैसे यहाँ पे हमने कोई पदार्थ और लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे H2 ले लिया, H2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने H2 ले लिया और प्लस यहाँ पे ले लिया O2, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन को करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बीच में यहाँ पे जोड़ का, ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, परस्पर मिला रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐड करना होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एरो लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट ये मिलकर दोनों बनाए हुए हैं, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया अभिकारक, और जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट। तो ये दोनों मिलकर क्या प्राप्त करेंगे, H2O। H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे H2O प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, H2O जल प्राप्त हो गया। इसका जो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होता है, वो कई प्रकार से करते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे, ठीक है, कोई गैस बन जाता है कभी कभी, ठीक है, गैस के रूप में इसका पहचान करते हैं, अवक्षेप के रूप में पहचान करते हैं, ठीक है, और इसका ठोस के रूप में और जल के रूप में। इसी तरह कई प्रकार से इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसका क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में, तो आपको पूरी जो आपकी क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड है, वो पूरे क्या है, रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आपको पूरे रिएक्शन ही मिलेंगे चैप्टर वाइज। और यहाँ पे हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे, तो चैनल पे अपलोड कर दिए गए, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2O प्राप्त हो गया, अब इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें संख्या कौन सा, इसमें सिंगल है कौन सा, इधर डबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या दो है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे दो है, तो सीधे आपको यहाँ पे क्या कर देना है, दो कर देना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपने टू कर दिया,
तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कर दिया है, तो इस दो का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली यहाँ पे दो कर देंगे, यहाँ पे टू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या फोर है, इधर भी फोर है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, और इधर भी दो हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे दो लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास ट्वेल्थ के आज सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।